अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मंसूर और आपके सामने हाजिर हूं एंड्रॉयड स्टूडियो के एक नए एपिसोड के साथ। जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड से आपने सीखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो के टेक्स्ट व्यू में मूवेबल टेक्स्ट किस तरह डालते हैं, तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक कार्ड व्यू किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। कार्ड व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉएबल में एक ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाएंगे और उसको कोई नाम दे देते हैं। मैं दे देता हूँ शेप्स। अब यहां सिलेक्टर की जगह हम लोग कर देंगे शेप और यहां पे दे देंगे शेप रेक्टेंगल। अब इसके अंदर हम लोग स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक में हम दे देंगे कलर प्राइमरी डार्क जो यूजली हमने डिफाइन हुआ है इसमें, और दे देंगे विड्थ 1 SP। यहां स्ट्रोक क्लोज कर देंगे। स्ट्रोक के बाद हम इसको देंगे कॉर्नर और कॉर्नर में सिर्फ हम उसको दे देंगे रेडियस। मैं दे देता हूं 16। कॉर्नर के बाद हम इसको दे देंगे सॉलिड सॉलिड में हम इसको दे देंगे कलर जो इसका सेंटर कलर होगा। अभी इस टाइम पे ये ब्लैक हुआ हुआ है तो हम यहाँ पे इसको अगर वाइट दे देते हैं ये इसका सेंटर कलर वाइट हो गया। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये जो रेडियस है साइड पे या इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, जितना हम बढ़ाएंगे उसके कॉर्नर्स उतने कर्व होंगे। अब इसको बनाने के बाद हम चलते हैं अपनी XML क्लास की तरफ और यहाँ पे हम लोग कार्ड व्यू बनाते हैं। एंड्रॉयड एक कार्ड व्यू आ गया और इस कार्ड व्यू को हम लोग आईडी दे देते हैं कार्ड व्यू को। पहले हम दे देते हैं आईडी, उसके बाद हम इसको दे देते हैं विड्थ। विड्थ इसको हम दे देते हैं 100 dp और हाइट इसको हम दे देते हैं 300 दे देते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसको कॉर्नर रेडियस दे देते हैं कार्ड कॉर्नर रेडियस, वो दे देते हैं हम इसको 16। फिर कार्ड एलिवेशन, एलिवेशन हम इसको दे देते हैं 9 dp। अब यहाँ पे ये हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसको लीनियर लेआउट पे ले आते हैं। इशू ही रिजॉल्व हो गया। अब देख जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कार्ड हमारा शो हो रहा है, तो हम इस कार्ड को सेंटर में ले आते हैं। मार्जिन टॉप दे देते हैं 100। मार्जिन स्टार्ट दे देते हैं 100। यहाँ पे ये हमें विजिबल नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक लीनियर लेआउट बना देते हैं और इसको रैप कंटेंट कर देते हैं
इसको आप बैकग्राउंड दे देते हैं, और बैकग्राउंड में हम लोगों ने जो शेप की फाइल बनाई थी हम इसको वो दे देंगे। हमने शेप्स के नाम से बनाई थी, अब इसके बाद हम लोग उसको ग्रेविटी दे देते हैं, सेंटर और ओरिएंटेशन दे देते हैं इसको वर्टिकल। लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग बना देते हैं एक इमेज व्यू, और इसको हाइट और वेट दोनों दे देते हैं हम 80 कर देते हैं। और इसको बैकग्राउंड दे देते हैं हम हमने एक इमेज सी बनाई हुई थी। अगर हम इसको बैकग्राउंड नहीं भी देते तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कार्ड व्यू बन गया है। इसका रेडियस वगैरह हम लोग कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको मैंने बताया था इस शेप की फाइल है, इस शेप की फाइल के अंदर जाके हम इसको रेडियस, कॉर्नर रेडियस हम जितना भी इसका चाहें बेंड कर सकते हैं, और हम चाहें तो उसका कम भी कर सकते हैं। हम अगर इसको 10 दे देते हैं तो यहाँ पे ये देखें इसका कॉर्नर रेडियस कम हो गया है। तो आज की इस एपिसोड से आपने ये सीखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में एक कार्ड व्यू किस तरह बनाते हैं। फिर आते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।